बॉयकॉट बॉलीवुड को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे सारा अली खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये जितने भी यानी मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं, जिन जिन लोगों ने अपने अपने घरों में गणपति जी को विराजित किया था, लाने का काम किया था, उनकी पूजा आरती अर्चना जो भी की थी, इसके चलते इन्हें हर साल बॉयकॉट किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, ये कहा जाता है कि तुम लोग काफिर हो, तुम लोग दूसरों के धर्म का त्योहार मनाते हो, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, जन्नत नसीब नहीं होगी तुम्हें, तो हमारे साथ तो बहुत गलत होने वाला है, ऐसी सारी बातें कही जाती है। लेकिन कहानी असली यह है कि जो मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग सिर्फ इन्हें ट्रोल कर सकते हैं, इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं कर सकते हैं। क्या आप शाहरुख खान, सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी कर सकते हो? और करोगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा? इस तरह की चीजें लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि इनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता है, सलमान शाहरुख के खिलाफ, क्योंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं और पैसे वालों के खिलाफ फतवा जारी करके कुछ भी नहीं हो सकता। अगर होता तो फिर जो सारा अली खान है, सुहाना खान है, ये जिस तरह के कपड़े पहनकर घूमती है, ये भी इनके धर्म में गलत माना जाता है और इनके ऊपर ये फतवा जारी नहीं कर सकते। लेकिन कोई साधारण सी अगर मुस्लिम लड़की इस तरह के ड्रेस पहनकर निकलेगी तो उसके साथ क्या होगा, ये वो भी नहीं जानती है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ पूजा करने पर या गणपति रखने पर ये फतवा क्यों जारी होता है? जो मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बेचते हैं या मंदिरों के बाहर पूजा पाठ के सामान बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल हो उससे जुड़ी सारी चीजें बेचते हैं, तो उनके ऊपर फतवा क्यों जारी नहीं किया जाता है? जब मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का कोई काम करते हैं, चाहे गाड़ी बनाना हो, चाहे उनके घर में कड़िया का काम करना हो, प्लम्बर का काम करना हो, या कोई भी काम करना हो, कपड़े बेचना हो, हिंदू धर्म में जो भगवा वस्त्र होता है उसे भी बेचते हैं बहुत सारे लोग, तो इनके ऊपर फतवा क्यों जारी नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आमदनी की बात होती है और जहां पर आमदनी की बात होती है वहां पर फतवा जारी नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हिंदू धर्म के लोग हाजी अली, माहिम दरगाह, अजमेर शरीफ जाते हैं तो इनके ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता, ये बोलकर कि ये लोग काफिर हैं और काफिरों का मस्जिद में आना, दरगाह पर आना मना है, इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। जो बीच में खबर आई थी कि जब राजस्थान में एक शख्स की जब हत्या कर दी गई तो वहां पर अजमेर शरीफ में बहुत सारी भीड़ हिंदुओं की कम हो गई और अजमेर शरीफ में बहुत नुकसान होने लगा, दुकानदारों को बिजनेस 90% कम हो गया। तो ये जो लॉस होता है इसके चलते ये सब फतवा जारी नहीं किया जाता है, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर फतवा जारी किया जाता है मुस्लिम धर्म में जो कमजोर हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, जिन्हें धर्म के अंदर बंद कर रहना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मेरा यही कहना है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर लोगों की रिस्पेक्ट करो, ना किसी धर्म का अपमान करो, ना किसी को करने दो और ना ही इस तरह की चीजों में शामिल हो, क्योंकि जब आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करते हो तो आप सामने वालों को भी मौका देते हो कि वो आपके धर्म का अपमान करे और यहीं से चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। तो ये दुनिया है यार, दुनिया में आए हो अपनी मर्जी से, जिसको जैसा जीना है, जो करना है करने देना चाहिए, लेकिन क्या करें, समाज के रूल ही ऐसे हैं कि लोग